हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारे साथ में शिवा, बट एक प्रॉब्लम हो रही है। ओरियो को इतना बुरा लग गया ना, मैं शिवा को लेके अपने स्टूडियो में आ चुका हूँ। ओरियो बाहर से गेट इतनी तेज से खड़का रहा है ना, एंड बच्चों को तो वैसे ही ओरियो से बहुत डर लगता है ओरियो से। हाँ, क्या चाहिए? भाग जा, मैंने ओरियो को पकड़ लिया, भाग जा ना, गेट बंद ना करे। बाय द वे, अभी 1 बजने वाले हैं तो पीयूष भी आने वाला है स्कूल से, और हमारे साथ यहाँ पे जीजा जी। कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा। जब से आए हैं तब से मतलब आसपास के सबकी कुंडली देख डाली है इन्होंने, सबकी कुंडली, सब अपनी समस्याएं लेकर के आ रहे हैं। और हमारी समस्या भी एक थी, एक गाड़ी की थी, एक गोल्डन प्ले बटन की थी, वो भी पूरी होने वाली है। कल हवन है हमारे घर में, बस यही एक मेन काम था जिसकी वजह से जीजा जी यहाँ पर आए स्पेशली हमारे लिए, हमारी समस्याएं दूर करने के लिए। अभी तक खाना वाना कुछ नहीं खाया हमने, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं हुआ है। तो गाइस, बात ऐसी है, जिया जी से मिलने से पहले हम ना इन चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, कुंडली वगैरह ये ऐसा होता है लाइफ में, बट जैसे इन्होंने भविष्यवाणी करी, जो इन्होंने चीज़ें बताई बिल्कुल रियलिटी। तो साइंस सबसे मेन है ना इसमें, मैथ है, मैथ भी है और साइंस भी है। तो जो ग्रह होते हैं हमारे, उनके नॉलेज मेरे को नहीं है, बट हाँ अब विश्वास हो चुका है, अच्छे से विश्वास करा दिया आपने। बिल्कुल रियलिटी बता देते हैं। तो फिलहाल करते हैं लंच। तो आज खाने में है स्पेशल आलू के परौंठे। तो अभी पीयूष की कुंडली देखी जा रही है, और एक बहुत ही, क्या बताया आपने कि पीयूष के पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, ज्यादा पीयूष के पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, तो उसको बाहर का नहीं खाना है। तो अब से पीयूष को भी नहीं खिलाएंगे हम, और हल्का खाना खाए ज्यादा। आ गया स्कूल से, कौन आए हैं? कल भी आए थे। क्या क्या लिखना है? ऑटोग्राफ नहीं यार, इतना बड़ा मत बनाओ, ऑटोग्राफ नहीं, प्लीज। भाई से ऑटोग्राफ लेते हैं क्या? तुम सारे क्लासमेट हो? सारे पीयूष के फैन हो तुम? पीयूषी क्लासमेट से ये फोटो ले, फोटो खींचा लो, सारे साथ में फोटो खींचा लो एक बार, सारे आ जाओ। तो पीयूषी कैसा लगता है, मतलब क्लास में ही तेरे को इतने सारे लोग जानते हैं, इतने सारे तेरे फैन हैं, तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगता है, लेकिन फालतू का घमंड मत करियो, इसको पता, इसको एक दो लगा देना अगर फालतू करे तो, ठीक है? कोई ऐसी कोई बात नहीं है, यूट्यूबर फ्यूट्यूबर अपने अपने घर पे होगा यूट्यूबर, क्लास में तुम्हारा क्लासमेट है, ठीक है? चलो इधर देखो, अभी इधर देखो। और तू क्या कर रहा है? ये रुदर इसके सपने देखता हुआ। इसके रेड क्रिमिनल के। अच्छा? इसके इसमें क्या है ऐसा? वैसे इतना कुछ खास है नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत। पापा जी बैठे हैं यहाँ, पापा जी आपसे मिलने आए हैं, फिर उसके क्लासमेट्स हैं सारे, अच्छा सब्सक्राइबर भी हैं। तो गाइस, इतनी तेज वाली धूप आ रही है ना, मेरे को सुस्ती आ रही है, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। तो अभी थोड़ी देर हम, मैं मम्मी के साथ में यहीं पे सो रहा हूँ, थोड़ा सा सो जाते हैं थोड़ा सा। अभी टाइम क्या हो रहा है वैसे? 2:30 बज चुके हैं, तो थोड़ा 3:30 बजे तक एक घंटा आराम से थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। तो नहीं, धूप इतनी अच्छी लग रही है ना ये। दो जी, तो आज खाएंगे हम फिर से, लो मम्मी जी छिल दो पपीता। तू क्या कर रहा है रे? इनका पतंग चल रहा है बस। सजावट कर दो, सजावट करना जरूरी है। बिल्कुल क्यों नहीं बोल रहे हो आप? आपका बिल्कुल फेमस है। No. कैसा है, मीठा है? बिल्कुल पापा जी को दे दो। सजा दो नमक की सजा दो। ले यार, हवा चल रही है, ऐसे तो उड़ेगी तेरे से, अपने आप ही उड़ जाएगी, उड़ाने की जरूरत ही नहीं है। टेप लगा रखी है, लो आप पकड़ो, ले उड़ गई। ओली, आप क्या देख रहे हो? ये पता नहीं उधर किसी को देख रहा है। नीचे उड़ाता है क्या तू? नीचे हाँ, ये उल्टी उड़ाता है, ऊपर उड़ानी चाहिए, ऊपर उड़ानी चाहिए, नीचे नहीं उड़ानी चाहिए। पीयूष की पतंग फट चुकी है और ये रो रहा है। तो रो क्यों रहा है? पतंग ही तो फटी। दूसरी ले लेंगे यार, कोई बात नहीं, ले मैं लूंगा यार, तेरे आज लेंगे पतंग, बस पतंग ही फटी होगी, उड़ाएंगे तो फटेगी। आपको उड़ानी, अभी ले लाएंगे ना, अभी मार्केट जा रहे हैं, पतंग लेके आएंगे। और क्या,
यार वैसे ही देखो कितनी टेप लगा रखी थी इसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टेप लगा रखी है इसने, 10 टेप लगा रखे, 2 टेप और लगा ले। एक बात बताओ, पहले भी तो फटी है, 10 टेप लगा रखी है पहले। नहीं ले देना, ये मेरे को दे दो, ये मैं उड़ा लेता हूँ, ये मैं उड़ा लूँ। गुस्सा नहीं करते यार, इधर यार हद है यार, इतना प्यारा बच्चा है तो गुस्सा क्यों करता है, गुस्सा मत कर। बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा नहीं, गुस्सा मत हो, दो पतंग लेने तेरे ले, फटने की चीज थी फट गई तेरे हाथ से, फटती फिर ये फटी हुई है इसके हाथ से, 10 बार फटी है पतंग, फट गई रोने लग गया। अरे बेटा क्या हो गया, फट गई तो पतंग ही है वो, अभी ले लेंगे, नहीं एक फटेगी दो फटेगी, चलो अभी चल। सुनो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी पतंग उड़ा रहा हूँ और आगे से फट जाए तो तुम क्या करोगे, तो तुम रोओगे मेरे को मारोगे, पतंग तो फटनी है। और विनोद और अग्रिम, तो गाइस कुछ ना कुरियर्स आए हुए हैं तो इनको अनबॉक्स करना है, जो आर्ट वर्क है ना, मैं सोच रहा हूँ कि आर्ट वाले चैनल पे अच्छे से अनबॉक्स करूँ, क्योंकि इसमें मैं अच्छे से दिखा नहीं पाता हूँ, तो जितने भी हैं ये वाले कुरियर्स आर्ट वर्क्स ये आर्ट वाले चैनल पे देख लेना। ये अमेज़न है यार, सब अमेज़न है। किसने भेजा? सब अमेज़न है यार। अगर सीधा अमेज़न से ऑर्डर करेंगे तो नाम तो मेरा ही आएगा ना, बॉल का पिटारा, इतनी सारी बॉल। चलो अब आया सेकंड जो भी है, रुक जा इसमें देख, तो नाम होगा इसमें, आईफोन का कवर है, तो एक छोटा सा पावर बैंक है, देखो तो इतना छोटा है ना ये, और ये भी आईफोन 11 का केस आपके लिए सुरदा, तो ये ट्रैवलिंग के टाइम पे काम आएगा, थैंक यू सो मच, बाकी बाद में अनबॉक्स करेंगे, अभी मन नहीं कर रहा अनबॉक्स करने का, मजा सा नहीं आ रहा, तो स्टूडियो में बैठ के आराम से करें। तो अभी टाइम हो रहा है 9:38, अब मेरे डिनर करके आ गया हूँ, अब करते हैं बाकी की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले इसमें ओके, सो इट्स ए पिलो, मार्स चॉकलेट, काजू, कुछ और ये वाली चॉकलेट्स हैं, हमने खाई नहीं आज तक है चॉकलेट कभी, माय फेवरेट रसोगुल्ला, तो कस्टम कप है जिसमें मम्मी और मैं हैं, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, और इसके अंदर भी कुछ है, अंदर 5 डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स हैं। अच्छा ये उस पिलो का कवर है, पूरी फैमिली है इसमें, देखो थैंक यू सो मच। देखते हैं तो ये ओरियो का पट्टा फिर से आ गया, ओरियो को तो कोई भूलता ही नहीं है कभी, ये देखो एक इस टाइप का है, एक इस टाइप का है, फ्रॉम राकेश इस पे नाम है। ग्लव्स? अच्छा तो ये है राइडिंग ग्लव्स, अच्छा मेरे पास राइडिंग ग्लव्स नहीं है ना, हाफ ही होते हैं क्योंकि हाथ से पकड़ने में, ओ वाओ प्यारे लग रहे हैं यार, ग्रिप भी अच्छी होती है इनसे। और एक कुरियर मैं आपको दिखाना भूल गया, तो ये है जो कि मम्मी जी के लिए भेजी है कुणाल ने, उसमें लेटर भी है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ था कि हमारी मम्मी ने आपकी मम्मी के लिए भेजी है, तो थैंक यू सो मच, मम्मी आएगी ना ऊपर, मम्मी को दिखाऊंगा मैं। तो सोनू भैया सबसे पहले आप ही ट्राई करो, ओके अच्छे से निचोड़ लेना। लो जी पीयूष जोशी जी, थैंक यू जी, सर जोशी जी, बस 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 बस, 1, 2, 3 ओए नीचे गिरा दिया, ये देख सारी अपनी, देखियो सब मीठा मीठा हो गया। अरे वॉशरूम में क्यों जा रहा है तू, वहां भी मीठा करेगा, चीटियां लगेंगी। अरे ये बॉक्सिंग वाले नहीं है, बॉक्सिंग ना कर, राइडिंग है ये, लगती है ना, मजा बढ़िया बढ़िया, बड़े में आ चुकी है मम्मी जी, आपके लिए ये आए हैं, देखो लो, ये भी लो, थैंक यू गाइस, थैंक यू, ये भी लो, ये लो, ये आया है, न्यू पिलो, पूरी फैमिली, पीयूष के लिए इतनी सारी बॉल्स आई हैं, चलो दो चार मैं ले जाऊंगा, दो आप ले जाना पा रहे हैं, दो आपकी 10 मेरी, बहुत बड़ा दिल है दिल तो यार, दो बड़ा दिल है तेरा, थैंक यू, दो दे दी, दो नहीं दिए, एक ले लो, ओरियो को अपना पट्टा पसंद आ गया है ओली, इसको कमर में डालते हैं, कमर में हेलो मी, निचोड़ना मत, खा लो, खाओ खाओ, डालो मुंह में, रबड़ है, रबड़ रबड़ रसगुल्ला नहीं है वो, अलग टाइप का होता है। तो बात ऐसी है कि कल हवन है फाइनल, तो सुबह सुबह जल्दी उठना है, 4 या 5 बजे उठ के नहाना है, उसके बाद हवन हमारा शुरू होगा, तो आज मैंने एडिटिंग जल्दी ही कर लिया इसीलिए, तो अभी मैं सोऊंगा, अभी सब जाएंगे, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ हवन के लिए, और गाड़ी का जो मुहूर्त है वो भी जीजाजी ही करेंगे, गाड़ी हम लेने जाएंगे जहाँ से भी हमने किया ऑर्डर, सरदा भी फाइनल मत बताओ। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करके जाना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना गाइस, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तोड़ने का क्या मतलब, अगर पहले से फटी थी तो किसी ने तो फाड़ी होगी, तो तब नहीं रोया तू, यार हवा में उड़ेगी कोई चीज तो फटेगी, गाड़ी रोड में चलेगी तो कहीं ना डेंट लगेगा, टूटेगी टूटेगी कुछ ना कुछ होगा।
give anything to you.